द्वार पे भक्ति लिए स्वामी गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले वंदन अर्चन पूजन कर मिल के तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले जीवन अपना सुख से भर मिल के आते हैं हम पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको क्रिस्त में प्यारे दोस्तों आज हम चालीसे का चौथा रविवार का मिसा पूजा में इधर भाग ले रहे हैं। आज के इस दिन हम अपने घरों में हैं और चर्च खाली है, पर मैं आप सबों के लिए ये मिस बलिदान चढ़ा रहा हूं। मैं आपकी उपस्थिति का महसूस कर सकता हूं कि आप सब इधर बैठे हैं और मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं और प्रभु से जो परिस्थिति में आज हम सब है उस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम सारे संसार ईश्वर के हाथों समर्पित करें और जो कोविड 19 के वजह से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, उन सब की परिस्थिति बदलने के लिए और जो इस बीमारी से मृत हो गए हैं वो सब ईश्वर में जीवन पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से मैं ये मिस बलिदान आप सबों के मतलबों के लिए हर एक के मतलबों के लिए चला रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, साथ साथ आपके मतलबों के लिए इस वक्त मौन रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और एक साथ कहे हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दैनिक कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ।
क्रिस्तीय जनता ज्वलंत भक्ति और तेज विश्वास के साथ आगामी त्योहार मनाने की ओर अग्रसर हो। ऐसा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम सींग में तेल भर कर लाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी ऐसे के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उनको पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब ऐसे के पुत्र सामुएल के सामने आए तो सामुएल एलियाब को देखकर यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब इससे अपने सात पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित कर चुका तो सामुएल ने इससे से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने इससे से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? इससे ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़े चरा रहा है। तब सामुएल ने इससे से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह नहीं आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए ऐसे ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, आंखें सुंदर और उनका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो इसी को अभिषिक्त दो। यह वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाद के, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाद के, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है,
पर चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाद थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला प्याला भर देता है। अनुवाद थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा में मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाद के, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहां ज्योति है वहां हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं। लोग अंधकार में जो व्यर्थ के काम करते हैं उनसे दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम विगुप्त में कर रहे हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इसका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाती है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। जय घोष। प्रभु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने, वह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोवाम के कुंड में नहा लो। सिलोवाम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा
उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगता देखा करते थे कुछ लोगों से कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं यह उस जैसा और होगा। उसी ने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य यीशु कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरे आंखों पर लगाकर कहा, सिलोवाम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसी के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखों अच्छी की थी वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी और मैं नहाने के बाद देखने लगा। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहां से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी कर दी है उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है जिसके विषय में तुम ये कहते हो कि यह जन्म से अंधा था? तो फिर यह कैसे देखने लगा है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था, किंतु हम ये नहीं जानते कि यह अब कैसे देखने लगा है। हम ये भी नहीं जानते कि किसने इसके आंखें अच्छी की है। यह साइना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही बोलेगा। उसके माता पिता ने यह इसलिए कहा कि यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, यह साइना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूं। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूं लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं? वे उसे बुरा भला कहने लगे और बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा, हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में
हम नहीं जानते कि वह कहां का है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है, उन्होंने मुझे आंखें दी है और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहां के हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांत को आंखें दी है। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहां से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखलाने चला है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिए। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। यीशु ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निमित्त बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे बन जाए। जो फरीसी उनके साथ थे वे यह सुनकर, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम ही कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में करे दोस्तों, आज जो अनुवाक्य में हमने कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आज के जो माहौल में प्रभु की इस वचन पर हमें विश्वास करना है, प्रभु हमारा चरवाहा है और प्रभु हमारा देखरेख करेगा, प्रभु हमें कभी निराश होने नहीं देगा, जैसे आज के तीनों पाठों में हमने सुना था। आज के तीनों पाठों में इसी बात के ओर हमें ध्यान लिया जा रहा है। जो अंधे किस प्रकार के हैं और कैसे हम अंधापन से दूर हो सकते हैं। यीशु मसीह सुसमाचार में जन्म से जो अंधा था उसको चंगा करते हैं, उसको रोशनी ज्योति देते हैं। जो जन्म से अंधा था वो कुछ देख नहीं पाया, वो एक प्रकार का अंधापन। शायद हम ऐसे अंधे नहीं हैं, हम सब देख सकते हैं, पर देखते हुए भी हम अंधे हो सकते हैं। जैसे प्रभु ने आज के सुसमाचार में कहा, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे बन जाए। जो शारीरिक रूप में अंधा था वो देखने लगा, जो शारीरिक रूप में देख सकते हैं वो विश्वास में अंधे बनकर जीवन बिता सके। और आज के पहले पाठ में हमने सामुएल के ग्रंथ से सामुएल को प्रभु नया राजा अभिषेक करने के लिए भेजता है,
जब सामुएल को प्रभु कहता है कि साउल का राज अंत करना है, नया राजा का अभिषेक करना है, सामुएल साउल के बारे में अच्छा कहता है। प्रभु की बात उसको समझ में नहीं आ रहा था, सामुएल प्रभु की आंखों से देख नहीं पा रहा था, केवल अपनी आंखों से देख रहा था, इसलिए सच्चाई उसको समझ में नहीं आया। जब प्रभु ने कहा साउल प्रभु के आज्ञा भंग किया, उस बात को सामुएल नहीं समझा। तो बुलावा प्रभु की आंखों से देखना, और प्रभु जो हमें दिखाता है, जो बताता है, उसके आधार पर जीवन बिताना। और आज के दूसरे पाठ में जो एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में एफेसियों को संत पौलुस कहते हैं, आप लोग पहले अंधकार थे और आपको ज्योति मिला है, सो उस ज्योति में जीवन बिताना है, उस ज्योति को पहचानना है। कौन है वो ज्योति? हमारे प्रभु मसीह यीशु, जिन्होंने हमें नया रास्ता दिखाया है, नया मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलना है, उस ज्योति को अपनाना है। उस ज्योति को अपनाने के लिए हमें सदा जागरूक रहना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं सोते नहीं पर जागरूक बने रहो, ताकि हम उस ज्योति का अनुभव कर सकें। और सुसमाचार में लोगों ने देखा प्रभु जो अंधा था उनको ज्योति दिया, पर उसमें विश्वास नहीं किया, वो अंधकार में ही रहना उनको अच्छा लगा। प्रभु ने जो ज्योति लाया उसको ग्रहण नहीं किया। क्रिसमस में प्यारे दोस्तों, प्रभु का बुलावा, हम उस ज्योति को ग्रहण करें जो हमारे लिए जीवन दे सकता है, हमें जीवन की ओर ले जा सकता है। तो आज प्रभु से विनती करें हम सब उस ज्योति को ग्रहण करें। आज के जो माहौल है, एक अंधकार में माहौल है, हम इस COVID-19 के वजह से पूरे संसार में एक अंधकार छा गया है, इसे कौन मिटा सकता है? केवल प्रभु ही मिटा सकता है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के समर्पित करें और इस अंधकार को मिटाकर फिर एक बार हम सबको ज्योति की ओर ले आने के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, मरियम से जन्मे, और उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक के उतरे, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज की सुसमाचार में हमने सुना कि एक व्यक्ति अंधा होने के कारण सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, लेकिन ईश्वर के बारे में उसकी अंधदृष्टि पढ़े लिखे और अच्छी दृष्टि वाले लोगों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। हम पिता ईश्वर से अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्म दक्ष याजक गण तथा धर्म संगी, पवित्र वचन तथा अन्य संस्कारों के माध्यम से लोगों को प्रकाश रूपी मसीह के पास ला सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिसा बलिदान में उपस्थित
हम सभी विश्वासीगण आध्यात्मिक अंधपन, पखंड और आडंबर से दूर रह सके और सत्य के प्रकाश में सदैव जीवन यापन करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारी निजी आवश्यकताओं के लिए, विशेष रूप से सारे संसार में जो बीमारी फैली है, उस बीमारी को ईश्वर जल्दी ही समाप्त करने के लिए और सभी लोगों को स्वस्थ प्रदान करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंधे व्यक्ति को दृष्टि दी। अनेक लोग ऐसे ही जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं, किंतु वे देख नहीं पाते क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप में अंधे हैं। हम पर यह कृपा दृष्टि कर कि हम अपने आत्मिक अंधेपन से दूर रहें और मसीह के प्रकाश में आ सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे दोस्तों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त प्रजा के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम सानंद ये उपहार चढ़ाते हैं जो आनंद जीवन के लिए हमारी औषधि है। हम सदा पूर्वक इनका समादर करें तथा विश्व की मुक्ति के लिए उन्हें चढ़ाएं, यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में पटकते मानव के समक्ष शरीर धारण का रहस्य प्रकट कर उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया। इन्होंने आदम के पतन के कारण पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों का पाप कलंक स्नान संस्कार के द्वारा मिटाकर उन्हें अपने तथक पुत्र पुत्रिया बना दिया है। इस कारण आकाश और पृथ्वी नूतन गान से तेरी आराधना करते हैं और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के संग तेरे यश की घोषणा करते हैं। पावन, अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर।
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के तत्पर से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तदा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले और इसे सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण, बालक यीशु की संत टेरेसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और वही उत्तम प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखलाया है। जैसे और आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास प्रतिष्ठित ला और उसे शांति तदायकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव दिखलाए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप कर लेता है। धन्य है वे जो इनके प्रीति बोझ में बुलाए गए हैं। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। प्रभु ने मेरे आंखें पर मिट्टी मली, मैंने जाकर नहाया और दृष्टि पाकर विश्वास किया। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है, तू अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे, कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
चालीसे का चौथा रविवार सूचनाएं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो सरकार ने जो आदेश दिया है कोविड 19 के बारे में, उन आदेशों को माने और अपने आप को इस बीमारी से बचाए रखें। आज जनता कर्फ्यू है, आप लोगों से अनुरोध करूंगा घर में बैठिए और प्रार्थना कीजिए। ये बीमारी हम सबको एक परिवार के रूप में दोबारा इकट्ठा करने के लिए बुलाया है, तो इसलिए इन दिनों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, परिवार एक साथ रहिए हर समय और पारिवारिक प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए। चर्च सोमवार से लेकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा, आप लोग आ सकते हैं, अपना प्रार्थना चर्च में कर सकते हैं। यदि आप परम प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो आप लोग पुरोहित उपलब्ध होंगे, उनसे पूछिएगा, आपको परम प्रसाद दिया जाएगा। आज के दिन चर्च बंद है क्योंकि जो सरकारी नियम है उसको हम अनुसरण करना है। यदि आप बुखार या सर्दी से पीड़ित हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा बाहर ना जाएं, और विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन्स हैं और बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा घर से बाहर ना निकलें। हमारे संत पापा शुक्रवार के दिन अपने संदेश में कहा है कि इन दिनों जब हम पाप स्वीकार की संस्कार में भाग नहीं ले सकते हैं, हम ईश्वर से अपने पापों को कबूल करें और पाप क्षमा मांगे, साथ साथ ईश्वर को यह वादा करें जब माहौल स्थिति ठीक हो जाएगा उस समय हम पाप स्वीकार संस्कार के लिए जाएंगे। आप सबों के लिए मैंने आज प्रार्थना किया है, आपकी उपस्थिति इधर नहीं है पर हम आप सबको याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक रूप में एक दूसरे के साथ रहें और ईश्वर से इस माहौल को बदलने के लिए प्रार्थना करें। यदि आप लोग अपने मतलबों के लिए मिस्सा चढ़ाना चाहते हैं, रोज हम इधर मिस्सा चढ़ाते हैं, आप लोग मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं, हम आपके मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले आपको कहा था, डरना नहीं है पर प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु की उन शब्द को सदा याद रखें, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु हमारे साथ है। जो अंधकार आज फैल गया है प्रभु ही उसमें ज्योति दे सकता है, तो प्रभु के हाथों हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है, तू अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष प्रदान करें। आमीन। आप लोग डाले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। दिल्ली धर्म प्राण की ही रख जे निवास प्रार्थना। तुझे धन्यवाद हम सभी पर पुनः तेरी आत्मा को बरसा दे ताकि यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर हम ऐसी कलीसिया बने जो स्वयं को दूसरों के लिए अर्पित करना अपना बुलावा समझे, दूसरों की जरूरतों में तत्पर रहते हुए
हम विश्वास आशा प्रेम आनंद और भाई के साथ सभी लोगों को सुसमाचार का साक्षी दे सके। जैन दिवस के सिद्धांत प्रेम हमारा नियम और सेवा हमारी जीवन शैली के साथ हम प्रभु यीशु के अधिक पवित्र हृदय की ओर देखते हुए उनसे कृपा की कामना करते हैं कि हमारे लिए कृपा एवं नवीनीकरण का समय हो जहाँ हमारे परिवार एवं संस्थाएं सभी लोगों के लिए ईश्वर के राज के चिन्ह और आशा की किरण बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। कि यीशु के अति पवित्र हृदय हमारे लिए माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर याद के विनती कि कोई तेरे मदद मांगने और तेरे विधियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय चला गया ये गारी की गारी ये मेरे माँ किसी रास्ते से तेरे पास आना पड़ा और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा ये परमेश्वर की शक्ति माँ मेरे शब्दों को स्वीकार कर अति प्यारी माँ मरियम शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर COVID-19 कोरोना वायरस को ईश्वर समाप्त करने के लिए और सभी लोगों को चंगाई प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे जैसे क्षमा करते हैं और प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है और हे सब मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ में यीशु हे सब मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ में यीशु हे सब मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे आइए एक साथ पीड़ितों की धर्मसार कहें हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा वह क्रूस पर चढ़ाए गए मर गए दफने गए और अधोलोक में उतरे वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे स्वर्ग गए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों के न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों की सहभागिता पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु जय यीशु यीशु है सच्चा गढ़िया उसकी हम भेड़े हैं हरी चराइयों में यीशु है सच्चा गढ़िया